मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो चहलकदम है लगातार जारी है, भारी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी तरह की क्या चिंता मन में है? कोई चिंता नहीं। जनता जनार्दन ने हमसे कहा, जैसे गीता में कृष्ण ने कहा महाभारत में जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कि तुझे तो केवल बाण चलाना है, तू धनुष साध और बाहर चला, बाकी काम तो मैंने करना है। उत्तराखंड के लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लोगों आप तो चुनाव लड़ो, प्रक्रिया में जोश खरोश के साथ भाग लो, बाकी काम तो हम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को हराया है और जो है परिवर्तन लाई है उत्तराखंड की जनता, उसके नेतृत्व में सब कुछ हुआ है। तो ये तो जो कुछ है वो जनता का। लेकिन किसी तरह का डर है कि फल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या कोई छीन तो ना लेगा? खरीद फरोख्त की ओर इशारा कर रहा हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स को लाए हैं, भाजपा घबराई हुई है, इसीलिए जो है वो बी प्लान सी प्लान पता नहीं क्या क्या प्लान, कुछ 2016 के एक्सपर्ट भी हैं, कोई बंगाल और सुना बिहार से पिछले हुए एक्सपर्ट भी हैं, वो भी यहाँ आए हैं। तो लेकिन उत्तराखंड के ये नाडे कांडे बड़े विचित्र है, यहाँ कोई कहीं फंस गए, टेढ़े मेढ़े मिल गए उत्तराखंडियों को, तो इनको ऐसे ऐसे जो है गड़बड़ करने वालों को अपने को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। अब लोग सावधान हैं, पिछली बार तो भोले लोग थे आ गए झांसे में। लेकिन आपका भी क्या कोई बी प्लान है, क्या आप भी किसी से संपर्क कर रहे हैं? हमको बी प्लान की जरूरत ही नहीं, हमारा प्लान तो जनता ने बना लिया, जनता ने जो है परिवर्तन कर दिया है, और हम तो बस निमित्त हैं ना। मैंने कहा कि हम निमित्त हैं, हम तो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन जो चेहरे आपके जीतेंगे, क्या उनकी सुरक्षा के लिए, क्या उनको कहीं भेजा भी जाएगा, इसको लेकर भी कोई तैयारी कोई बातचीत चल रही है? मैं समझता हूँ इसकी नौबत नहीं आएगी, जैसे ही 40-42 से ऊपर हमारा बहुमत जाने लगेगा तो भाजपा हथियार डाल देगी। लेकिन उधर से विरोधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। वो तो ये भी दावा कर सकते हैं कि सारी विधानसभा हमारे संपर्क में। लेकिन एक संदेश जो तमाम आपके जो लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए अभी से जोश दिखने लगा है, लेकिन उनके लिए संदेश? उत्तराखंड सावधान है, और ये जो जनमत का अपहरण करने वाले लोग आए हैं तो इन रावणों से जो है सावधान है ना, और कहीं इधर उधर मिल जाए ऐसे जो है ये जनमत का अपहरण करने वाले, तो उनका ठीक ठाक तो सीधे तौर पर जो स्थिति इस वक्त उत्तराखंड के अंदर नजर आ रही है, उसको लेकर दोनों ही दलों के अंदर चिंताएं जरूर हैं। हालांकि दोनों ही दल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी अपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात को है कि क्या फल मिलने के बाद भी क्या उसको कोई छीनने की कोशिश तो नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ मोहित चौधरी, 8/9, देहरादून।